बच्चों आज हम लोग शब्द विलोम के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न, अध शब्द के साथ प्रयुक्त ऊपरी शब्द किस प्रकार की शब्द कोटि में आएगा? ए पर्याय, बी अनेकार्थी, सी अनाधिक, डी विलोम। चार ऑप्शन दिया गया बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा डी विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कृपा शब्द विलोम है ए कोप, बी कटु, सी क्रोध, डी क्रूर। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ए कोप, कृपा का विलोम कोप। अनुरिक्त, थर्ड क्वेश्चन बच्चों, अनुरिक्त, अनुरिक्त का हो जाएगा विरिक्त। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्न ए निंदा, बी जागरण, सी ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, स्वप्न चार ऑप्शन बच्चों हैं, ए निद्रा, बी जागरण, सी ध्यान, डी मनन। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी स्वप्न का जागरण। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। क्वेश्चन में गलत पूछा बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी आग्रह विग्रह। प्रश्न नंबर 6, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी आदृत निरादृत। प्रश्न नंबर 7, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है अनास्था, अनेकता, तिरोभूत, अनावृष्टि। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी तिरोभूत। प्रश्न नंबर 8, सूक्ष्म शब्द का विलोम है ए सूक्ष्म, बी सूक्ष्महीन, सी स्थूल, डी अस्थूल। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी स्थूल। प्रश्न नंबर 9, सुस्ती का विलोम है तंदुरुस्ती, चुस्ती, ताजगी, सुस्ती विहीन। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी चुस्ती। प्रश्न नंबर 10, मिथ्या का विलोम शब्द कौन सा है आडंबर, धुंधला, दिखाना, सत्य। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी सत्य। प्रश्न नंबर 11, अथ का विलोम शब्द है ए अंत, बी इत, सी अर्थ, डी अग। 11 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी इति। प्रश्न नंबर 12, शोषक शब्द का विलोम चुनिए शोषित, पोषक, पोषक, पोषित।
प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा शोषक का विलोम पोषक। प्रश्न नंबर 13, हर्ष शब्द के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ए खेद, बी वेदना, सी दुख, डी विषाद। हर्ष का विलोम बच्चों हो जाएगा विषाद, राइट आंसर डी। प्रश्न नंबर 14, अविश्वास, अविश्वास का विलोम बच्चों हो जाएगा विश्वास। उदय, उदय का अस्त। प्रश्न नंबर 16, पुण्य, ए दोष, बी असंगति, सी पाप, डी पीड़ा। पुण्य का बच्चों हो जाएगा पाप, राइट आंसर सी। प्रश्न नंबर 17, साक्षर का विलोम बच्चों निरक्षर। प्रश्न नंबर 18, उद्धत शब्द का विलोम है, अ विनय, बी अवनति, सी अनुदार, डी विनीत। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा विनीत। प्रश्न नंबर 19, आरोह का विलोम शब्द है, अवरोह, क्रमबद्ध, क्रमानुसार, लगातार। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ए आरोह का अवरोह। प्रश्न नंबर 20, सन्मार्ग शब्द का विलोम है, ए सहज मार्ग, बी सुमार्ग, सी अमार्ग, डी कुमार्ग। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी कुमार्ग। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित विकल्पों में से कृषि का विलोम शब्द चुनिए, अ हिष्ट पुष्ट, बी केश, सी भव, डी विटप। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ए हिस्ट पुष्ट। प्रश्न नंबर 22, अल्पज्ञ का विलोम दिए गए विकल्पों में से चुनिए, अविज्ञ, अवज्ञ, कृतज्ञ, सर्वज्ञ। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सर्वज्ञ, राइट आंसर डी। प्रश्न नंबर 23, अंतरंग का विलोम शब्द है, ए बाहरी, बी बहिरंग, सी ऊपरी, डी ब्राह्म। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बहिरंग। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24, अक्षत का विलोम है, ए क्षति, ब बी चावल, सी विच्छत, डी पूर्ण। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी विच्छत। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, क्वेश्चन में बच्चों नहीं पूछ रहा है, नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा सी सुख कष्ट। प्रश्न नंबर 26, मिश्रण का विलोम है, ए कम, बी रुच, सी साबुत, डी गाफिल। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी रुच। प्रश्न नंबर 27, अविज्ञ का विलोम शब्द है, ए अज्ञ, बी नग, सी प्रज्ञ, डी चतुर। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा अज्ञ।
प्रश्न नंबर 28, निरर्थक शब्द का विलोम शब्द है ए सार्थक, बी अर्थक, सी निरर्थक, डी निरर्च। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सार्थक, ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29, विलोम शब्दों के सही युग्म का चयन कीजिए। शब्द विलोम ए पक्षपाती निष्पक्ष, बी प्राचीन नवीन, सी बलवान निर्बल। तीनों आंसर सही है बच्चों, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 30, उद्घाटन का विलोम शब्द है, उद्घाटन का विलोम बच्चों समापन। प्रश्न नंबर 31, एक का विलोम शब्द है, एक का विलोम शब्द हो जाएगा अनेक। प्रश्न नंबर 32, ऐश्वर्य का विलोम शब्द है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ए अनैश्वर। प्रश्न नंबर 33, ऋजु का विलोम शब्द बच्चों वक्र। प्रश्न नंबर 34, वारुण का विलोम शब्द है, राइट आंसर 34 का बच्चों हो जाएगा निष्ठुर, राइट आंसर डी निष्ठुर। प्रश्न नंबर 35, कृतज्ञ का विलोम शब्द है, राइट आंसर बच्चों हो जाएगा कृतज्ञ। प्रश्न नंबर 36, कृत्रिम का विलोम शब्द है ए सहज, बी असली, सी प्राकृतिक, डी निर्मित, राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, सी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 37, छिन्न का विलोम शब्द है ए भिन्न, बी अभिन्न, सी प्रशिक्षित, डी संलग्न। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी संलग्न। प्रश्न नंबर 38, जंगम का विलोम शब्द है ए अस्थावर, बी प्रवाह, सी सबल, डी दुर्बल। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ए अस्थावर। प्रश्न नंबर 39, नैसर्गिक का विलोम शब्द है ए समानार्थक, बी कृत्रिम, सी चमत्कार, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी कृत्रिम।